विषय न्यूज की खास पेशकश में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ, जहाँ पे हमारे साथ आज अभी मौजूद है विरोधी पक्ष नेता तानाजी बंदे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। शहर में दिन प्रतिदिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। देश में पूरा जो देश है हमारा वो कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। साथ ही नागपुर की अगर बात करें तो आए दिन 7,000 के पार आंकड़ा जा ही रहा है। साथ ही अभी जो मृतकों का आंकड़ा है वो भी 7,000 छूने को है। इसी बीच हम तानाजी वंदे इनसे बात करने वाले हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ नागपुर में है और किस तरीके से प्रयोजन किया जा रहा है। तो नागपुर शहर में कोरोना की स्थिति जो है वो काफी भयानक है, यानी एक बड़ी महामारी नागपुर शहर में आई है और इसके लिए सब जो जिम्मेदार है नागपुर महानगर पालिका का प्रशासन, माननीय महापौर और उनकी भारतीय जनता पार्टी की नीति, ये इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। आयुक्त जो है नागपुर महानगर पालिका के प्रशासन, ये पूरी तरह फेल हो गया है और इसके ऊपर जो महानगर पालिका चला रहे उनका प्रशासन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। इसकी वजह से पूरे हर बस्ती में जगह जगह करीब करीब जैसा हर बस्ती में हर घर में चार चार पांच पांच लोग है। अभी कई जगह लॉकडाउन हुआ है, कई जगह लॉकडाउन नहीं किया है उन्होंने, सील नहीं की है बस्तियां। लेकिन जैसा अभी मेरे यहाँ नंदनवन कॉलोनी में पूरी कॉलोनी पूरी तरह कोरोना पॉजिटिव हो गई है। उसके बाद मैं जहाँ रहता हूँ दर्शन कॉलोनी प्रभाग 26, ये भी पूरी तरह मेरी खुद की बस्ती, मेरा घर, अभी ये लॉकडाउन हुआ है 5-7 दिन से। उसके बाद में रमना मारुति से लेके मतलब पूरा पूरब नागपुर में काफी बस्तियां, और जिनको ये इसलिए हो रहा है कि प्रशासन ने कोई इसके ऊपर ध्यान दिया नहीं है। वो आरपीटीएस जो टेस्ट होती थी वो टेस्टिंग का भी काम नहीं हुआ। जगह जगह इन्होंने जो पॉजिटिव निकले उनको लॉकडाउन नहीं किया, उनको क्वारंटाइन नहीं किया, उनके घर में जगह नहीं है। एक आदमी हो गया तो उसके वजह से पूरा घर पॉजिटिव हो रहा है, उनको ना बेड मिल रहा है, ना ऑक्सीजन मिल रहा है, ना कोई प्रकार की सुविधा मिल रही। महानगर पालिका में जहां भी फोन करो तो कोई भी जगह बेड उपलब्ध नहीं है, मेडिकल में नहीं है, मेवो में नहीं है। इस संबंध में मैंने अखबारों में एक 5-7 दिन पहले कहा कि भाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। नागपुर शहर में बड़ा हॉस्पिटल पालक मंत्री और मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा कि भाई आपने एक 100 बेड का हॉस्पिटल या बड़ा हॉस्पिटल बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए नागपुर शहर को तुरंत देना चाहिए एक विशेष निधि के रूप में, और नागपुर शहर के लोगों को महामारी से बचाना चाहिए। सर, अभी तक कुछ दिनों पहले हमारी बीसीएनसी न्यूज की टीम जो है उसने शहर में जितने भी घाट है उनमें से 10 घाटों का जायजा लिया। वहां पे ये आंकड़े सामने आए कि अगर हम गंगाबाई घाट की बात करें तो वहां पे रोजाना वैसे तो 70 जो है शव लाए जा रहे हैं उसमें वो कोरोना आबादी है। और वही अगर हम मोक्षधाम घाट की बात करें तो वहां पे लगभग 60 से 62 जो है वो कोरोना मरीज मतलब रेगुलर है, और बाकी के जो उसमें जितने भी आ रहे हैं उसमें 40 से 45 जो है वो कोरोना के निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारों आंकड़ों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं प्रशासन के जो आंकड़े हैं वो गलत दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ इस पे आपकी क्या राय है। नहीं, क्या है कि जो रेगुलर मौतें हो रही है उनको और कोरोना बाधित जो है उनका अलग अलग ये करना चाहिए, लेकिन कौन कोरोना बाधित है और कौन रेगुलर मौत हो रही है इसका कोई अंदाजा नहीं। घाट पे जगह नहीं, घाट का प्रशासन पूरा फेल्योर हो गया है। चाहे दिगोरी घाट लो, मोक्षधाम घाट लो, धंतोली अंबाझरी का घाट लो या मानेवाड़ा का घाट लो, मैं बहुत से जगह का वातावरण जो है वो घाटों में जिस ढंग से लाशें आ रही है कोरोना बाधित, उसके कारण पूरा
वातावरण मिक्स हो गया है और उसके वजह से भी वहाँ प्रदूषण और उसके वजह से कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या काफी बढ़ रही है। सर इस दरमियान ये भी देखा जा रहा है कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है जो कोरोना की ट्रीटमेंट में बहुत उपयुक्त साबित हो रही है, बहुत कारगर साबित हो रही है, उसकी भी कालाबाजारी देखने को मिल रही है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि किस तरीके से इसमें प्रशासन को जो है कार्रवाई करनी चाहिए? क्या हुआ प्रशासन, मैंने बोला पूरा फेल है। हमारे महानगर पालिका के आयुक्त जिनके भी तरफ ये जिम्मेदारी दी गई है वो आयुक्त पूरी तरह फेल हो गए हैं, क्योंकि वो किसी भी हॉस्पिटल पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई ऑडिट नहीं हो रहा है, कोई भी प्रकार के उनको हम लोग फोन करते तो उनको बात करने को टाइम नहीं है, चाहे असिस्टेंट कमिश्नर रहे, एडिशनल कमिश्नर रहे कि कोई भी रहे, ये लोग किसी का फोन उठा नहीं रहे। अब मैं विरोधी पक्ष नेता हूं, मेरा ही फोन नहीं उठा रहे, मैं खुद कोरोना पॉजिटिव आया और मैं महीना भर कोरोना पॉजिटिव करके रहा तो मुझे ही पूछने के लिए किसी का फोन नहीं आया, तो कॉमन आदमी का क्या हाल होगा? इस पर से आप एक आदमी आके उन्होंने नहीं बोला, केवल डॉक्टर कामड़े करके जो यहाँ के इंचार्ज थे नेहरू नगर जोन के, वो केवल आके उन्होंने पूछताछ की, बाकी कोई भी प्रकार का कोई पदाधिकारी या कोई अधिकारी किसी का एक मैसेज या फोन नहीं आया कि आप कैसे हो या किस टाइप की परिस्थिति है। तो कॉमन आदमी के बारे में सोचने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि कॉमन आदमी ये कचरे जैसा हो गया है, उसको कोई पूछ नहीं रहा, उसकी हालत पूरी खराब हो गई है और उसको ना दवा मिल रही, ना रेमडेसिविर मिल रहा है, ना कुछ। जो पैकेज लगा के जो हॉस्पिटल बैठे है वो पैकेज वाले हॉस्पिटल का ही काम हो रहा है, वो उनके घर में जा रहे हैं, उनको बराबर व्यवस्था हो रही, रेमडेसिविर मिल रहा है और हर प्रकार की दवा उनको मिल रही जिनके पास पैसा है। पर जिनके पास पैसा नहीं वो मेडिकल में जाते जाते ही बेचारे गुजर रहे, कोई अपने घर में ही दम तोड़ रहे, कोई रास्ते में मर रहे, कोई ऑटो में मर रहे, कोई एम्बुलेंस में मर रहे। जो स्थिति थी वो बहुत भयानक स्थिति नागपुर शहर में देखने मिल रही है। मैं बता रहा हूँ, मेरे घर के पास में भी एक पड़ोस में एक मौत हो गई, वो ले जाते मेओ में जाते जाते मौत हो गई। तो और उनको उठाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं है, एम्बुलेंस वालों को फोन 10 बार फोन करो तब एम्बुलेंस जाके उनको उठा के फिर घाट में उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, वहां पे भी लंबी क्यू है। सही कहा आपने सर कि कोरोना को लेकर स्थिति शहर में बेहद ही चिंताजनक हो चुकी है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप बीसीएन के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहते हैं कि कोरोना की इस भयावह स्थिति में उनको किस तरीके से उनकी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, इस बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ। मेरा जो सुझाव है कि कोरोना पॉजिटिव जो बस्ती में लोग है वो घर घर में जाके टेस्टिंग करके उनको, हमारे यहाँ पे मैंने एक दर्शन कॉलोनी में सेंटर शुरू है और जो जिनके यहाँ मौत हो जाती उनको इमरजेंसी गाड़ी बुला के उनका टेस्टिंग किया जा रहा है। तो ऐसा हर घर घर में हर नगर सेवक अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे ऐसा नहीं, लेकिन हरेक के पास साधन सामग्री की व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटल हमने बोला कि भाई जहाँ पे व्यवस्था है, जैसा लसीकरण के बारे में महानगर पालिका ने अच्छा कदम उठाया, स्वागत योग्य है, पर लसीकरण के केंद्र जैसे खोल के लोगों को लस देने का काम चालू है, उस प्रकार से टेस्टिंग का काम और लोगों को क्वारंटाइन करने का काम, जो घर में जगह ही नहीं है वहां अगर एक पॉजिटिव निकल गया तो उसके साथ में 10 पॉजिटिव निकल रहे, 10 पॉजिटिव निकले तो 100 पॉजिटिव बस्ती में निकल रहे, तो उसके ऊपर पॉजिटिव निकलने वाले को अगर अपन ने कंट्रोल नहीं किया, जैसा मुंडे साहब के टाइम में क्वारंटाइन करके तुरंत उस पे एक्शन ली जाती थी, उस प्रकार की एक्शन अगर प्रशासन ने लिया तो प्रशासन के जो आयुक्त काम भी कर रहे लेकिन उनके सबॉर्डिनेट जितने भी है वो उसको सफलता नहीं मिल रही, यानी कोशिश नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कोशिश कर रहे लेकिन प्रशासन उनका जो नीचे का है वो पूरा फेल हो गया है। तो ऐसे स्थिति में तुरंत जो भी आता है उसको क्वारंटाइन करना, क्वारंटाइन करके उसके ऊपर इलाज करना, ये सब चीजें उन्होंने करना चाहिए। तो
तो कहीं ना कहीं जनता को तो कहीं ना कहीं जनता को खुद ये घर पे रहना चाहिए, ये सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि शहर में कोरोना को लेकर स्थिति बेहद चिंताजनक हो चुकी है। और अगर अभी अभी हमने खुद की सुरक्षा को ध्यान नहीं दी तो जो सिचुएशन है वो और भी भयानक हो सकती है, और भी डरावनी हो सकती है, और उस सिचुएशन से निकलना शायद और भी गंभीर हो सकता है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।